नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र माय जॉब टीम की तरफ से आपके लिए फिर से एक बार नई रिक्रूटमेंट नई भर्ती लेके आया हूँ जो निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर साउथ की तरफ से। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस के हिसाब से जो निकली है नोटिफिकेशन उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो देर नहीं करते हुए आज फटाफट देखते हैं, निकली है एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर से 400 वैकेंसी में सिविलियन ड्राइवर पोस्ट है, क्लीनर पोस्ट है, कुक पोस्ट है, सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर पोस्ट है और लेबर जो कि मेल आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं और एमटीएस सफाई वाला। तो ऐसे कुल मिला के 400 वैकेंसी निकली है जिसमें ओपन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी मिलाकर वैकेंसी है। तो फटाफट आवेदन कैसे करना है वो भी एक बार देख लीजिए और इसमें वैकेंसी कहाँ कहाँ पे निकली है उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो एक बार आवेदन करने से पहले इच्छुक उम्मीदवार से हम अनुरोध करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा पीडीएफ आप एक बार डाउनलोड कर ले, उसे अच्छे से रीड कर ले, उसके बाद योग्यता अनुसार आप आवेदन करें। तो जिसके लिए सिविलियन ड्राइवर पोस्ट के लिए 10वीं पास आपका होना चाहिए और आपके पास हेवी और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, आपका ड्राइविंग मोटर व्हीकल में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और नॉलेज चाहिए आपको मोटर मैकेनिज़म का ताकि आप माइनर डिफेक्ट व्हीकल के निकाल सकें। दूसरा है क्लीनर के लिए 10वीं पास आपका होना चाहिए और क्लीनर में आप ट्रेड में परफेक्ट होने चाहिए। तीसरा है कुक के लिए निकली है 10वीं पास पे वैकेंसी, तो इसमें आपका ट्रेड में आप परफेक्ट होने चाहिए, उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेड में। चौथी पोस्ट है सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर, जिसमें भी 10वीं पास आपका होना चाहिए, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए केटरिंग का जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उसका, और आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। आगे बात कर लेते हैं लेबर के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपको लेबर का नॉलेज होना चाहिए। एमटीएस सफाई वाला, इसमें भी आपको 10वीं पास होना है और आपको नॉलेज होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट रखा गया है एमटीएस और लेबर पोस्ट के लिए 18 साल से 25 वर्ष तक, इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, और ड्राइवर पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल तक, 2 साल इसमें बढ़ गया है तो आपको एज रिलैक्सेशन के ऊपर फ़ायदा भी इसमें मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। तो बहुत बढ़िया है आप सभी के लिए वैकेंसी, आपको फटाफट आवेदन भेज देना है 21 दिनों के अंदर, जो मैंने एड्रेस मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में लगा दिया है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उन्होंने आवेदन करने से पहले फॉर्म डाउनलोड कर ले, उसे कैसे भरना है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी देख लीजिए, और साथ ही में सिलेबस भी देख लीजिए। सिलेबस रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें सिलेबस भी पूरा दे रखा है कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या आने वाला है। तो कैसे आवेदन करें, आवेदन करने के लिए आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट है उसका नाम लिखना है। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपके परसेंटेज 50% के अंदर है तो आपको रेड इंक का यूज़ करना है, लाल पेन का यूज़ करना है। अगर 51 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, और 61 के अबव आपके परसेंटेज आ रहे हैं तो ब्लैक इंक का आपको इनवलप पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और आपकी पोस्ट। तो ऐसी पोस्ट निकली है, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए एएससी साउथ सेंट्रल नॉर्थ बेंगलोर कर्नाटका यहाँ पर आना होगा। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये एड्रेस है जहाँ पे आपको सेंड करना है डॉक्यूमेंट्स,
ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, इसमें आपकी सभी इन्फॉर्मेशन बराबर भर देनी है, कोई गलती नहीं करेगा, और इसको ऑफलाइन तरीके से आपको 21 दिनों के अंदर फटाफट भेज देना है। तो अगर आपको स्टेशन के नाम भी दे रखे हैं, तो आपको अगर सिलेक्शन के बाद चॉइसेस है कोई, तो आपका चॉइसेस भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो बहुत सुनहरा मौका है सभी के लिए जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं सिविलियन पोस्ट के लिए, तो फटाफट आवेदन कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसा था अपना आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूरतमंद दोस्तों तक ये वीडियो को पहुँचा देना, और माई जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।